अस्सलाम वालेकुम, आई एम अवैस रशीद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीडीबी प्रॉपर्टीज। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाहौर स्काई मॉल के हवाले से। इससे पहले आप लाहौर स्काई मॉल के हवाले से काफ़ी वीडियोस और काफ़ी एडवर्टाइजमेंट जो है ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन लाहौर स्काई मॉल के अंदर एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला और वो ये था कि इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमने एक टर्म देखी जो कि ये थी कि इस प्रोजेक्ट में आपको 10 साल तक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाहौर स्काई मॉल में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ये जो 10 साल तक आपको टैक्स में रिलीफ दिया जा रहा है ये कैसे जो है सिर्फ लाहौर स्काई मॉल जैसे प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट हो रहा है। सबसे पहले व्यूअर्स, आपको लाहौर स्काई मॉल की लोकेशन के हवाले से गाइड करता चलूँ। लाहौर स्काई मॉल फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। जब आप सेंट्रल पार्क और बैरिया नशीमन जैसी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ ट्रैवल करते हैं तो सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी से पहले पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है। पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल साथ मेन फिरोजपुर रोड पे 73 कनाल्स के लैंड साइज़ पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 5 टावर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। इस वक्त इसके पहले टावर के हवाले से पेमेंट प्लान मार्केट में ऑफर किया गया है और उसमें कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स हैं जो कि इस पहले टावर को काफ़ी अच्छा जो है इसका इंप्रेशन हाई राइज प्रोजेक्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको इस पहले टावर के कुछ की फीचर्स बता देता हूँ। इस पहले टावर के अंदर 3 बेसमेंट पार्किंग्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जिनमें हर पार्किंग बेसमेंट का जो साइज़ है वो 20 कनाल होगा। इसके अलावा इस पहले टावर में पाकिस्तान का पहला DFO शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है। ये बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट दुबई की मार्केट्स में देखने को मिला जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स के अंदर डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं और वहाँ पर क्लाइंट्स पूरा साल 50% ऑफ पर ईजिली शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हम इस पहले टावर की लोकेशन को फोकस करें तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि लाहौर जैसे शहर में आपको डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स मोस्टली या तो करीम ब्लॉक में देखने को मिलते हैं या इसके अलावा आप गजू माता की साइड पे कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। लेकिन प्रॉपर अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप ईज़िली और पीस ऑफ माइंड के साथ शॉपिंग करना चाहते हैं, उसके अलावा अगर आप बहुत सी अदर फैसिलिटीज़ जैसे आमतौर पर हम शॉपिंग मॉल्स में देखते हैं कि वहाँ पर फूड कोर्ट एरिया बहुत फोकस में रहता है, वहाँ पर फुटफॉल इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये भी हमें इस पहले टावर में जो है ऑफ़र किया जा रहा है। मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं इस पहले टावर्स के कुछ और यूनिक पॉइंट्स। इस पहले टावर के अंदर आपको DFO शॉपिंग मॉल के अलावा बच्चों से रिलेटेड फूडी फन लैंड जो है बकायदा पूरा एक फ्लोर डेडिकेट किया गया है जहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ मौजूद हैं और ये भी एक अच्छा जो है वो फ्लोर कंसीडर किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से। नो डाउट फूड कोर्ट जो है 4th फ्लोर पे मौजूद है और फूड कोर्ट मोस्टली हम जितने भी शॉपिंग मॉल्स ऑलरेडी लाहौर जैसे शहर में देखते हैं उसमें फ्लोर लेवल जो है वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फूड कोर्ट का जो एरिया है वो एक शॉपिंग मॉल की बहुत बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल को विज़िट करते हैं तो ऑब्वियसली आप फूड कोर्ट जो है देयर इज़ 90% चांस कि क्लाइंट वहाँ पे ज़रूर विज़िट करेंगे। इसके बाद हमें इस पहले टावर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क देखने को मिल रहा है और जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि लाहौर स्काई मॉल में आपको 10 साल तक टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है वो बेसिकली ऑल ही स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क पे करता है। इस स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क में बेसिकली ऑफिस बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर टैक्स रिलीफ इसलिए दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी 2023 अक्टूबर में जिसका नाम था STZA स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का मकसद ये था कि वो डेवलपर्स जो अपने प्रोजेक्ट में 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़ायद का एरिया IT के लिए मुख्तस करेंगे 3 किस्म के टैक्स में रिलीफ जो है प्रोवाइड करेगी। इन 3 टैक्स में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी टैक्स शामिल है। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जो टैक्स रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है ये बेसिकली किन क्लाइंट्स के लिए ऑफ़र किया गया है। सबसे पहले ये टैक्स जो है उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो इस प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं। सेकंड, वो क्लाइंट्स जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस प्रॉपर्टी को बाय करेंगे यानी जिसे हम ओनर कहेंगे, उस ओनर को भी 10 साल तक टैक्स रिलीफ जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप अपनी इस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में रेंट आउट कर देते हैं तो जो टेनेंट यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो IT पार्क के हवाले से अपनी खिदमात इस टावर में सर अंजाम देंगे उन्हें भी इसमें 10 साल तक जो है वो टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, एक बहुत वैलिड क्वेश्चन जो है वो यहाँ रेज होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IT पार्क को ही सिर्फ ये टैक्स रिलीफ क्यों प्रोवाइड कर रही है। अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो रियल स्टेट मार्केट पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और बहुत वसी जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसकी इकॉनमी में। इसके अलावा हमने रिसेंट कुछ ईयर्स में देखा कि आफ्टर कोरोना काफ़ी सारे बिजनेस जो हैं वो हर्डल्स का शिकार हैं, लेकिन इस टाइम फ्रेम में हमने जिस
सेक्टर को तेज़ी से ग्रो होते हुए देखा वो आईटी सेक्टर था। इवन अगर हम अपने नेबर कंट्रीज़ की बात करें या दूसरे ऐसे ममालिक जिनकी इकॉनमी इस टाइम फ्रेम के बाद स्ट्रॉन्ग होती चली गई, उन्होंने ख़ास तौर पर फोकस जो है वो आईटी सेक्टर पर किया और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आईटी सेक्टर को तेज़ी से जो है वो सपोर्ट करने का इरादा रखती है। इसके लिए ऑब्वियसली अभी हम तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या लाहौर शहर में इस तरह की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें आईटी सेक्टर थोड़ा सा हर्डल इसलिए फेस कर रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर इस तरह से स्पेस अवेलेबल नहीं है। सेकंड ये कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें क्लाइंट्स का फ्लो जो है ट्रैवलिंग में बहुत जो है वो सर्फ होता है। ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि अगर हम एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लोकेशन जो है वो बहुत फिजिबल होनी चाहिए। अगर हम वहाँ पे कुछ टाइम स्टे करते हैं तो हमें सराउंडिंग में ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि वहाँ पे हम पीसफुली कुछ टाइम के लिए स्टे भी कर सकें। तो ये जो इसको लाहौर स्काई मॉल है, जब इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई, आपने काफ़ी सारी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म से पहले भी देख चुके हैं। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को हर स्टेप से जो है हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से हमेशा जो है इन्फॉर्म टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आपको इस पैरे टावर में अपार्टमेंट्स की फैसिलिटीज़ भी ऑफर की जा रही है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको लग्जरी प्लस टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लाहौर स्काई मॉल के अंदर जो 10 साल तक टैक्स रिलीफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम हाई राइज प्रोजेक्ट्स कुछ और डिस्कस करें तो इस वक्त हम बहुत अच्छे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हमें गुलबर्ग एरिया में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा और बहरिया टाउन जैसी मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हाई राइज प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड में खास तौर पर हाई राइज प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ नए डिवेलपर्स और कुछ पुराने डिवेलपर्स खास तौर पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर अब पूरा एक फ्लोर एटलीस्ट जो है वो आईटी के लिए डेडिकेट करते हैं और उनका बेसिकली टारगेट यही होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको टैक्स रिलीफ दे रही है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है वो है कि आप 2.5 लाख स्क्वायर फीट का जायद का एरिया जो है वो आईटी के लिए मुख्तस करें। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये प्रोजेक्ट 73 कनाल्स के लैंड साइज पे बनने जा रहा है और एक LD अप्रूव प्रोजेक्ट है। यहाँ पे काफ़ी जो स्पेस इसलिए अवेलेबल थी और इजीली डेवलपर जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। हमारे वो इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ पहले भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं और आज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी उनको मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी के हवाले से और डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वो पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। आमतौर पर जब आपको आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले तो आप वेट करते हैं कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आता है वो है टैक्स। ऑब्वियसली आपको एट टाइम ऑफ परचेजिंग ये नहीं पता होता कि आज से 4 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी क्या डिज़ाइन करेगी। ये बहुत हद तक आपकी इन्वेस्टमेंट में अहम रोल प्ले करता है। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका पोजेशन आपको 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के बाद जो है मिलेगा, तो CDB प्रॉपर्टीज़ आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के हवाले से और इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से मुकम्मल जो है हमेशा अपडेट भी रखेंगे। और ये जो 10 साल का फैक्टर इस प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिला, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए कि आज आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92333010069। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।